बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड रोल। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यमी बनेंगे। यहाँ पर मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसमें है मेरे पास शिमला मिर्च है, थोड़ी सी क्यूब्स में कटी हुई, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसकी कटिंग की है। ऑलिव्स हैं, स्लाइस्ड ऑलिव्स हैं मेरे पास। चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको काट कर रख लिया है। ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इन्हीं ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे मैंने कट किए थे उनका ब्रेड क्रम मैंने मिक्सचर में डाल के रेडी करके रख लिया है। और 2 eggs है मेरे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 tablespoons मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं चॉप गार्लिक ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही लहसुन हमारा अच्छे से सौते हो जाए इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 teaspoon इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, चिकन की कटिंग हमने इतनी ही छोटे छोटे क्यूब्स में करनी है, ज़्यादा नहीं। बड़े क्यूब्स इसके रखेंगे, छोटे क्यूब्स में ही हमारे जो रोल हैं वो अच्छे से शेप में आएंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग इसके अंदर मज़ीद स्पाइसीज ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है, आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon साबुत जीरा। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद चिकन को मैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करूंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग है तो जल्दी कुक हो जाएगा। यहाँ पर चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया मीडियम फ्लेम पे। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद हम रोल की फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको रोलिंग पिन की मदद से हल्का हल्का बेल लेंगे। इस तरह हमने इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। बेलने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से हमारे जो रोल हैं वो जुड़ जाएंगे, बन के रेडी हो जाएंगे। किनारों पे हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे। इसी तरह मैं बाकी के पीसेस भी बेल के रख लेती हूँ। अब सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है। बाजार की मैं पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। अच्छे से हमने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखने हैं। चिकन के पीसेस रखने के बाद इसके ऊपर मैं मोजरेला चीज़ डालूंगी ग्रेट की हुई। मोजरेला चीज़ की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, होममेड मोजरेला चीज़ यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। अच्छे से हर तरफ हमने मोजरेला चीज़ अप्लाई कर देनी है। चीज़ ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करूँगी।
ऑलिव्स ऐड करेंगे। ओरिगेनो हर्ब्स ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब इसको हल्के हल्के हाथों से रोल करते जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पर सारे रोल बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको ब्रेड क्रम और अंडा लगाकर कोट करते हैं। सबसे पहले रोल को अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम लगाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर रोल हमारा बहुत अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। बाकी के रोल भी मैं इसी मेथड से कोट करके रख लूंगी। यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हम रोल ऐड करेंगे एक-एक करके। यहाँ पर देखें जी, सारे रोल मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप इसको अच्छा सा कलर देने के बाद मैं डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए जी, यहाँ पर रोल हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनको कलर आया। मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जी, सारे के सारे रोल मैंने बाहर निकाल लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनको कलर आया। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें जी, पिज़्ज़ा ब्रेड रोल की फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त इनको कलर आया है। फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।